आज मैं आपको 2009 की एक डरावनी और रहस्यमय फिल्म की कहानी सुनाने वाला हूं। उस फिल्म का नाम है ऑनरफन। केट और उनके पति जॉन अस्पताल में दाखिल होते हैं क्योंकि केट बच्चे को जन्म देने वाली स्थिति में होती है। केट को व्हीलचेयर में ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जाता है और जॉन कुछ फॉर्मलिटीज के लिए पीछे रह जाता है। केट देखती है कि उसका खून बहने लगा है। वह अचानक खुद को बिस्तर पर पाती है ऑपरेशन हॉल में बहुत सारे डॉक्टरों के बीच, जहां उसका पति नहीं होता। वह यह सब देखकर डर जाती है। एक नर्स उसके पास आती है और बताती है कि उसका बच्चा मर गया है। तभी जॉन हाथ में कैमरा लिए अंदर आता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और नर्स केट को हंसते हुए उसका मरा हुआ बच्चा देती है। केट चिल्लाने लगती है और तभी वह खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाती है। यह सब एक बुरा सपना होता है। वह उठकर बाथरूम जाती है, दवा लेती है और अपने पेट पर निशान को देखती है। वह अगले दिन अपने थेरापिस्ट को इस बुरे सपने के बारे में बताती है और डॉक्टर ब्राउनिंग कहते हैं कि आप एक बड़े ऑपरेशन से गुजरी हैं, ऐसे डरावने सपने आना एक आम बात है। डॉक्टर केट को इस चीज पर चिंता करने से मना करते हैं। डॉक्टर से मुलाकात के बाद केट अपनी बेटी मैक्स को स्कूल से लेने के लिए जाती है। मैक्स सुन नहीं सकती, वह बचपन से ही बहरी है। बच्चों को घर ले जाते समय केट का ध्यान कहीं और होता है। अचानक एक बड़ा ट्रक आता है और वह एक बड़े हादसे से बच जाती है। घर आने के बाद जब केट अपनी बेटी को शैतानी करने पर डांट रही होती है, तभी उसका पति जॉन और उसका बेटा डैनियल आते हैं और वे सब साथ में मस्ती और मजाक करने लगते हैं। रात को केट अपनी बेटी से बात कर रही होती है और उसकी बेटी पूछती है कि क्या उसे एक छोटी बहन मिल सकती है। केट कुछ नहीं कहती और बाथरूम जाकर दवा खाती है। फिर वह बिस्तर पर जाकर जॉन से पूछती है कि क्या उन्हें गोद लेने के बारे में सोचना चाहिए। दोनों की सहमति से वे कुछ दिनों में एक अनाथालय जाते हैं। वहां वे अनाथालय की इंचार्ज एबिगेल से मिलते हैं, जो एक नन होती हैं। केट पहली मंजिल पर रुक जाती है, जहां वह सभी बच्चों से मिलती है, जबकि जॉन दूसरी मंजिल पर जाता है। वहां उसे एक लड़की की गाने की आवाज सुनाई देती है। जब वह कमरे में जाता है तो देखता है कि वहां एक लड़की पेंटिंग कर रही होती है, जिसका नाम एस्थर होता है। वह जॉन को एक अद्भुत कहानी सुनाती है। तभी एबिगेल और केट वहां पहुंचती हैं। वे सभी लोग बातचीत करते हैं और फिर जॉन और केट एबिगेल के ऑफिस में एस्थर को गोद लेने के बारे में बात करते हैं। एबिगेल बताती हैं कि एस्थर रूसी है और जो लोग उसे यहां लाए थे वे एक हादसे में मर गए थे। एबिगेल कहती हैं कि लड़की बहुत अच्छी है और केट तैयार हो जाती है एस्थर को अपने साथ ले जाने के लिए। 3 हफ्ते के बाद केट और जॉन एस्थर को ले आते हैं। केट कार में एस्थर को इशारों की भाषा सिखाती है। वे घर आते हैं और मैक्स से मिलते हैं और घर में घुसने के बाद वे दादी माँ बारबरा और डैनियल से मिलते हैं। सभी कहीं ना कहीं खुश होते हैं, केवल डैनियल थोड़ा जलता है क्योंकि एस्थर को बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे होते हैं। डैनियल अपने दोस्तों के साथ ट्री हाउस पर जाता है और कुछ गंदी मैगजीनें देखता है। बाकी दोनों बच्चे एस्थर और मैक्स बाहर बर्फ में खेल रहे होते हैं। उस रात तेज तूफान आता है और एस्थर रात में मैक्स के कमरे में जाती है। वहीं दूसरी तरफ केट और जॉन रात में इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी दोनों बच्चे वहां आते हैं और उनके बिस्तर में उनके साथ सोने की जिद करते हैं। एस्थर जिद करके जॉन को हग करके सो जाती है। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होकर नीचे आते हैं और एस्थर एक अजीब सी ड्रेस पहनकर नीचे आती है। दोनों बच्चे एस्थर को देखकर हंसते हैं। केट पूछती है, एस्थर क्या तुम सच में ये ड्रेस पहनकर स्कूल जाना चाहती हो? एस्थर कहती है कि लोगों से अलग दिखने में उसे कोई समस्या नहीं है। केट मुस्कुराती है। स्कूल जाने के बाद एस्थर की टीचर उसे सभी बच्चों से मिलवाती है। उस दिन शाम को डैनियल अपनी शूटिंग गन से खेल रहा होता है और उससे एक कबूतर मर जाता है। एस्थर और मैक्स वहां आते हैं और एस्थर यह देखकर डैनियल से कहती है, अब इस कबूतर को दर्द से आजाद करो। वह उसे एक बड़ा सा पत्थर देती है। डैनियल कहता है, मुझसे नहीं होगा, तो एस्थर खुद उस कबूतर को मार देती है। उसके बाद एस्थर नहाने के लिए जाती है। केट एस्थर का सामान ठीक कर रही होती है कि तभी उसे एक पुरानी बाइबल मिलती है जिसमें एक आदमी की तस्वीर होती है। केट वह सामान वापस रख देती है। अगले दिन एस्थर स्कूल में होती है। डैनियल के दोस्त उसे एस्थर की वजह से चिढ़ाते हैं तो डैनियल एस्थर की किताबें गिराकर चला जाता है। तभी एक और स्कूल की लड़की एस्थर को परेशान करती है और एस्थर उस पर बहुत जोर से चीखती है। घर आने के बाद केट उसे पियानो सिखा रही होती है और आज स्कूल में हुए इस घटना के बारे में पूछती है। केट उससे बहुत सारी बातें करती हैं और उसे अपने मरे हुए बच्चे के बारे में भी बताती है। डिनर के बाद जब दोनों पति पत्नी को लगता है कि बच्चे सो गए हैं तो वे दोनों किचन में ही इंटीमेट हो जाते हैं। तभी एस्थर आ जाती है। अगले दिन केट एस्थर से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है और एस्थर कहती है कि वह जानती है कि तुम लोग क्या कर रहे थे, मगर वह एक एफ शब्द का इस्तेमाल करती है।
केट को एस्थर का इस तरह बोलना अजीब लगता है तो वह जॉन से इस बारे में बात करती है। जॉन केट से कहता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो इस बात पर। इसके बाद सभी बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं जॉन के साथ। वहां उनकी एक पड़ोसन जॉन से बातें करने आती है और एस्थर उसे जलन भरी निगाहों से देख रही होती है। पार्क में वही लड़की भी आती है जिसने स्कूल में एस्थर को परेशान किया था। वह लड़की झूले पर जाती है, तभी एस्थर पीछे से आकर उसे जोर से धक्का दे देती है जिससे उसकी टांग टूट जाती है। यह सब मैक्स देख लेती है। उस रात डिनर टेबल पर मैक्स यह बात अपने माता पिता को बताने की कोशिश कर रही होती है, तभी एस्थर जल्दी से प्रेयर करना शुरू कर देती है और इशारों में अपने भाई डैनियल को समझाती है। एस्थर दोनों की हरकतें गौर से देख रही होती हैं। अगले दिन केट और एस्थर दोनों मार्केट में होते हैं, तभी नन एबिगेल का फोन आता है। केट एस्थर से कहती है, क्या तुम बात करोगी? पर एस्थर बात करने से मना कर देती है। केट थोड़ी दूर हटकर एबिगेल को सारी बातें बताती हैं जो हो रही होती हैं। उस रात केट को पियानो की आवाज सुनाई देती है। वह देखती है कि एस्थर बिल्कुल सही पियानो बजा रही है और वह भी बहुत अच्छा। केट पूछती है, एस्थर तुमने फिर नाटक क्यों किया कि तुम्हें पियानो नहीं आता? एस्थर कहती है, यह सब मैंने अपने फायदे के लिए किया था। और उस रात केट और जॉन के बीच बहस होने लगती है। दूसरी तरफ एस्थर अपने कमरे में पेंटिंग करते हुए मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन वह देखती है कि नन एबिगेल उनसे मिलने आई हैं। एस्थर नन को देखकर डर जाती है। नन जॉन और केट को यह बताती है कि जब एस्थर की तहकीकात हुई तो यह बात सामने आई कि उसने पहले भी कई बच्चों को तकलीफ दी है। एस्थर जल्दी से मैक्स के पास आती है और कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए ताकि नन उसे यहां से न ले जा पाए। वहीं दूसरी तरफ केट, नन और जॉन इस बारे में बात करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एस्थर को थेरेपिस्ट के पास ले जाना चाहिए। एस्थर मैक्स को जॉन के कमरे में ले जाती है और जॉन की बंदूक निकालकर उसमें एक बुलेट डालती है। फिर वह बंदूक मैक्स के सिर पर रखकर उसे डराने लगती है। एस्थर मैक्स को एक पुल पर ले जाती है जहां से नन एबिगेल थोड़ी देर में गुजरेंगी। जब नन अपनी कार से पुल की तरफ आती है, एस्थर अचानक मैक्स को कार के सामने धक्का दे देती है। एबिगेल किसी तरह अपनी कार संभालती है जिससे मैक्स बच जाती है। एबिगेल मैक्स के पास आती है ये देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। तभी पीछे से एस्थर नन एबिगेल को जोर से हथौड़े से मारती है। फिर एस्थर मैक्स की मदद लेकर नन की बॉडी को जंगल की तरफ घसीट कर ले जाती है। एबिगेल अभी होश में होती है लेकिन एस्थर उन्हें बार बार हथौड़े से मारकर उनकी जान ले लेती है। इसके बाद दोनों बच्चे ट्री हाउस में जाते हैं जहां एस्थर अपने खून से सने हुए कपड़े रखती है। एस्थर मैक्स से कहती है कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वे दोनों जेल जाएंगे। एस्थर मैक्स से कहती है कि वह उसे प्यार करती है। ट्री हाउस से निकलते हुए डैनियल एस्थर को देख लेता है और एस्थर भी उसे देख लेती है। उस रात एस्थर डैनियल के कमरे में एक ब्लेड लेकर आती है, उसकी गर्दन पर रखती है और धमकी देती है कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो वह उसे मार देगी। डैनियल डर के मारे बिस्तर में ही पेशाब कर देता है। कुछ दिनों बाद केट को खबर मिलती है कि एबिगेल उस रात के बाद स्कूल वापस नहीं आई और पुलिस को एक दो दिन में एबिगेल की बॉडी मिल जाती है। केट को मन ही मन कुछ बहुत अजीब लगने लगता है तो वह एस्थर की तहकीकात शुरू कर देती है। वह उस रूसी अनाथालय में भी फोन करती है जहां से एस्थर आई थी, लेकिन वहां कोई एस्थर नाम की लड़की नहीं होती। अगले दिन केट बच्चों को स्कूल ले जाती है और उनसे पूछती है, एस्थर ने कभी तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? दोनों बच्चे डर की वजह से मना कर देते हैं। रात में जब केट किचन में होती है, एस्थर कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूं, और उसे सफेद गुलाब देती है जो आमतौर पर किसी की मौत पर दिए जाते हैं। एस्थर जानबूझकर केट को उकसाने की कोशिश करती है ताकि केट उसे धक्का दे दे। एस्थर स्टोर रूम में जाती है और अपने हाथ को जख्मी कर लेती है ताकि वह जॉन से सहानुभूति ले सके और कह सके कि केट ने उसे जोर से मारा। जॉन केट से इस बारे में बात करता है और केट कहती है कि उसने उसे इतनी जोर से नहीं पकड़ा था। जॉन को केट की फिक्र होने लगती है, इसलिए वह डॉक्टर ब्राउनिंग को घर बुला लेता है। सब लोग केट को समझाने में लग जाते हैं कि वह एस्थर को लेकर ज्यादा सोच रही है। अब केट खुद को सही साबित करने की कोशिश में लग जाती है क्योंकि उसे यकीन होता है कि एस्थर वह नहीं है जो वह दिखाती है। केट एस्थर के सामान में वह बाइबल ढूंढने की कोशिश करती है। उसे वह बाइबल एस्थर की एक गुड़िया के अंदर छिपी हुई मिलती है। उस बाइबल में एक आदमी की फोटो होती है और कुछ नहीं, मगर बाइबल पर एक नाम लिखा होता है। जब केट उस नाम की तहकीकात करती है तो उसे ऑनलाइन पता चलता है कि यह नाम किसी अनाथालय का नहीं बल्कि एक पागल खाने का है। उधर डैनियल अपने ट्री हाउस में एस्थर का पता लगाने जाता है कि उसने वहां क्या छुपाया है। तभी एस्थर वहां आ जाती है और डैनियल के सामने ही ट्री हाउस पर पेट्रोल फेंककर उसे जला देती है और जल्दी से भाग जाती है।
वह डैनियल को अंदर ही बंद कर देती है। डैनियल अपनी माँ की मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज केट तक नहीं पहुंचती। वह ट्री हाउस की छत पर चढ़ जाता है और आग बढ़ने की वजह से उसे वहां से कूदना पड़ता है। डैनियल बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। आग लगने के बाद केट को नजर आता है कि बाहर कुछ हो रहा है, तो वह बाहर जाती है। वहां एस्थर एक बड़े पत्थर से डैनियल को मारने वाली होती है कि तभी मैक्स उसे धक्का दे देती है। अगले दृश्य में सभी अस्पताल में होते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि डैनियल को गंभीर चोटें आई हैं, खासकर उसकी गर्दन में, इसलिए उसे कुछ याद नहीं है। केट जॉन को एस्थर के बारे में सारी बातें बताती हैं, मगर उसे यकीन नहीं आता। बाद में एस्थर चुपके से डैनियल के कमरे में जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी मैक्स इशारों में सबका ध्यान डैनियल की तरफ खींचती है। केट समझ जाती है कि एस्थर ने फिर कुछ किया है और वह गुस्से में आकर एस्थर को थप्पड़ मार देती है। होश में आने के बाद केट बस जॉन से एक ही गुजारिश करती है कि मैक्स को एस्थर से दूर रखें। घर आकर मैक्स सोते समय अपने पिता को गुड नाइट कहती है, लेकिन उसकी कान की मशीन सिरहाने पर होती है, जिसे एस्थर चुपके से उठा लेती है। इन सभी चीजों से परेशान जॉन शराब पी रहा होता है। तभी एस्थर आती है। वह अजीब कपड़ों में होती है, जैसे वह एक बड़ी औरत हो। वह जॉन को किस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन कुछ बार करने के बाद जॉन उसे वहीं डांट देता है और कहता है, यह क्या हरकत है, मैं तुम्हें इस नजरिए से कभी नहीं देख सकता। जॉन उसे डांटकर ऊपर जाने को कहता है। एस्थर कहती है, मुझे ऐसे मत डांटो जैसे मैं कोई बच्ची हूं। जॉन कहता है, मैं कल ही अनाथालय को फोन करूंगा और वे तुम्हें यहां से ले जाएंगे। एस्थर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। वहीं केट को अस्पताल में एक फोन आता है। वह फोन उसी पागलखाने से एक डॉक्टर का होता है। डॉक्टर कहता है कि वह एस्थर को जानता है और चेतावनी देता है कि जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार को उससे दूर कर लो और पुलिस को बुला लो, क्योंकि एस्थर को एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि वह सिर्फ दिखने में बच्ची लगती है, जबकि वास्तव में वह एक बड़ी उम्र की औरत है। वह यहां की सबसे हिंसक मरीजों में से एक है। वह 7 लोगों की हत्या कर चुकी है। केट जल्दी से घर की तरफ भागती है। उधर एस्थर गुस्से में अपना सारा मेकअप हटा देती है और अब साफ साफ दिखता है कि वह कोई बच्ची नहीं है। जॉन एस्थर के कमरे में आता है और वहां अजीब अजीब सी बनी हुई तस्वीरें देखता है। तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है। केट जॉन को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल उठाने में असमर्थ होता है, इसलिए केट पुलिस को कॉल करती है। जॉन अंधेरे में चलता है, तभी पीछे से एस्थर उसे चाकू से मार देती है और तब तक वार करती है जब तक जॉन मर नहीं जाता। यह सब मैक्स देख लेती है और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। केट अपनी गाड़ी सीधे घर में घुसा देती है और जॉन की लाश देखकर डर जाती है। वह समझ जाती है कि मैक्स खतरे में है और उसे ढूंढने लगती है। तभी एस्थर उसे पीछे से गोली मार देती है। केट उस हालत में कहीं छिप जाती है। एस्थर को मैक्स घर के बाहर दिख जाती है, तो वह उसका पीछा करती है। तभी केट बचते बचाते एस्थर पर हमला करती है और उसे जख्मी कर देती है। केट बंदूक अपने पास रख लेती है और मैक्स को लेकर बाहर जाने की कोशिश करती है। जब पुलिस वहां आती है तो एस्थर गायब होती है। एस्थर जंगल में केट और मैक्स का पीछा करती है और उन पर हमला करती है। वह बहुत बुरी तरह से केट पर चढ़कर उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। मैक्स डर के मारे बंदूक उठाकर एस्थर की तरफ शूट करती है, लेकिन गोली बर्फ पर लगती है। वे सब एक जमी हुई झील पर होते हैं जो टूट जाती है और एस्थर पानी में डूबने लगती है। केट जैसे तैसे एस्थर से बचकर बाहर निकलती है। एस्थर फिर से केट को पकड़ लेती है और कहती है, मुझे मरने मत दो। केट जोर से उसे किक मारती है और एस्थर वहीं पानी में डूब जाती है।